प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आया हूँ जो कि नॉर्थ इंडियन का एक फेमस रेसिपी है जो कि पनीर लबाबदार। हाँ फ्रेंड्स, मैंने घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैंने कढ़ाई को गरम किया है, देन उसमें से 1 टेबलस्पून बटर एंड 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है। फिर वो गरम होने के बाद उसमें ऐड कर दिया एक सूखा मिर्ची और एक ग्रीन चिली, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून दालचीनी, एक तेजपत्ता को डाल दिया। फिर उसमें से 2 कटा हुआ प्याज को डाला, 2 कटा हुआ टमाटर को डाला, देन थोड़ा सा काजू को ऐड किया, 5 to 6 गार्लिक एंड जिंजर पीसेस को डाला। फिर उसके ऊपर 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर कलर होने के लिए हम डाल देंगे। फिर उसको अभी हम अच्छे से मिक्स करके देन उसमें से थोड़ा सा पानी को देके 5 मिनट बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। फिर कवर को डाल के सारे मसाला को अच्छे से बॉयल होने के लिए हम अभी छोड़ देंगे। अभी मैं देखूँगी कि मसाला जो है अच्छे से बॉयल हुआ है कि नहीं। देखिए, मसाला जो है वो अभी अच्छे से बॉयल हो गया है और अभी रेडी हो गया है कि उसको हम मिक्सर ग्राइंडर पे लेके ग्राइंड करने के लिए। बट हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि वो अभी बहुत गर्म अभी है, तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम अभी उनको 5 to 10 मिनट के लिए बाहर ही ऐसे छोड़ देंगे। फिर वो ठंडा होने के बाद ही उसको हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। देखिए, यहाँ पे मेरा ठंडा हो गया है, अभी उसको हम ग्राइंड करेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। अभी मेरा स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है, उसको अभी मैंने साइड करके नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मैंने वही कढ़ाई को लिया है, उसमें से 1 टेबलस्पून बटर को डाला और 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल को डाला। आप सिर्फ ऑयल और सिर्फ बटर को भी ले सकते हैं, बट मैंने दोनों को ही मिला के ही लिया है। फिर उसके बाद वो गर्म होने के बाद हम उसमें से स्मूथ करा हुआ था पेस्ट को डाल दिया है। देखिए, इसमें से मैंने अभी डाल दिया है। ऐसे ही 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम अच्छे से होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, मेरा जो मसाला है वो थोड़ा सा अभी बॉयल हो गया है, उसको अभी हम और 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। अभी मेरा मसाला जो है अच्छे से बॉयल हो गया है, उसके ऊपर हम अभी मसाला को डालेंगे। मैंने 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट को डाला, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर को डाला, 1/2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर को डाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर को, और 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। फिर उसको हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर कर के ही हम उसको कवर कर लेंगे फिर से 2 मिनट के लिए। उसके ऊपर मैंने अभी डाल दिया है 2 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क और 2 टेबलस्पून अमूल का क्रीम एंड उसके ऊपर स्लाइस करके थोड़ा सा पनीर को भी डाल दिया है। फिर उसको अच्छे से मिला के उसके ऊपर हम अभी डाल देंगे कटा हुआ पीसेस, पनीर पीसेस को। फिर उसको हम अच्छे से फ्राई करके उसके ऊपर हम कवर कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मेरा ग्रेवी जो है अभी अच्छे से हो गया है, उसके ऊपर हम अभी डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला एंड 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। फिर उसको हम अच्छे से फ्राई करके अच्छे से मिक्स करके अभी उसको हम सर्व करेंगे। ऐसे ही 2 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे, फिर उसके बाद ही हम सर्व करेंगे उसको। वाओ, मस्त स्मेल। हाँ दोस्तों, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप भी एक बार आपके घर में बनाइए और मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करिए।
आई होप कि आज का मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।